हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सोयाबीन की रेसिपी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू, एक टमाटर, तीन हरी मिर्च, एक लहसुन, सोयाबीन, पाँच प्याज छोटे साइज के, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा। यहाँ पर मैंने दो ग्लास पानी लिया है, उसके अंदर हम सोयाबीन को बॉईल करेंगे, साथ के साथ आलू भी छील लेंगे। हमारा पानी बॉईल हो चुका है, इसके अंदर हम सोयाबीन डाल देंगे और सोयाबीन को अच्छे से बॉईल करेंगे। आपको इन इंग्रेडिएंट समझ ना आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हमारी सोयाबीन भी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह की मेरी बाकी की रेसिपी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच ऑयल लिया है, बड़े चम्मच लिए हैं मैंने। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है इसमें और इसका पेस्ट बनाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसी के साथ इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। हमारे जो प्याज है ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने 2 पीस में किए हैं क्योंकि ये छोटे आलू थे, अच्छे बनते हैं इससे। आलू को भी अच्छे से भूनेंगे। जब आलू भून जाए तब इसके अंदर हम जो हमारी सोयाबीन है धुली हुई, उसे भी इसी में ऐड कर देंगे। सोयाबीन को अच्छे से भूनना है। हमारी जो सोयाबीन अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। जो हमारी टमाटर है वो अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे हमारा। मसाले को अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से ऑयल ना आ जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये थोड़ा पानी है जो अब्सॉर्ब कर ले। यहाँ मैंने शेजवान फ्राइड राइस मसाला लिया है, इसका 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। सिर्फ 1/2 चम्मच ही डालना है क्योंकि इसमें भी नमक होता है।
यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अब हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे और 4-5 विसल लगने तक वेट करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म आलू सोयाबीन की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।